अकेला ही उठा और टल पड़ा अकेला ही गांव में। गांव बिल्कुल पहाड़ी के साथ है, साथ में बिल्कुल पहाड़ी थी, बिल्कुल पहाड़ी है। तो मैं दो चार खेत भी थे पानी के भी, तो मैं खेत तो खाता और एक छप्पड़ पासों था वह पानी आता था। तो मैं उधर को गया तो वहाँ बस इतनी दूर में देखा तो बघेरा, वो क्या होता है, शेर का भाई छो, शेर शेर का छोटा भाई मतलब, वो पानी पीने आया उसमें। अच्छा तो फिर रात भर शिकार किया है वो मेरी तरफ देखे, मैं तो शेर शेर आपकी तरफ और आपके, मैं सच्ची बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा। अच्छा, वो भी हैरान है कि मैं पानी पे ये मेरी तरफ भी जा रहा है। अच्छा। जब मैंने देखा अरे ये, फिर मैं भागा नहीं वहाँ से। अच्छा, हराम से धीरे धीरे मैंने रास्ता बदल लिया। अच्छा, उसका पेट भरा हुआ था, पानी पिया वो चल गया, पानी पीने आया था, रात भर शिकार करते हैं। हाँ जी। अच्छा, फिर सवेरे उनको लिया, फिर उनके साथ वहाँ शहर गए, डिप्टी डायरेक्टर से मिले। हाँ। तो फिर मंजूरी लेके स्कूल खुल गया प्राइमरी। अच्छा, तो वो आपकी कोशिशों से प्राइमरी स्कूल खुला। हाँ। और बताओ। और सुनो, तो ऐसे ही वो पहाड़ी के साथ गांव था। हाँ जी। बरसात थी। हाँ। इधर भी घास उधर भी घास, रास्ता बिल्कुल कुछ नहीं था। हाँ। मैं गया रास्ते में से। हाँ। सांप की आवाज आई सांस लेने की, मैं डर गया। हाँ। देखू तो मेरे साथ बड़ा लंबा सांस सांप जा रहा है। हाय राम, आपके साथ साथ बिल्कुल है हाय, कुछ नहीं कहा। हाँ। पर वो फुराटे मारता गया, फुफकार मार रहे थे। आप डरे नहीं है? आप डरे नहीं? बहुत बार भगवान जी ने आप बचाया है। हाँ। भगवान जो है उनकी लीला। अच्छा। अब और सुनो। हाँ जी। एक बार हम जयपुर गए। हाँ। रामगढ़ झील में। हाँ। वहाँ मगरमच्छ रहते हैं। अच्छा, उसमें लिखा हुआ कि इसके अंदर न जाना। अच्छा। पर हम भी लड़के थे ना, जैसे कूद गए। हाँ, लिखा हुआ सीढ़ियों में बैठ के पानी पीना है, झुकना नहीं। वहाँ उधर थोड़ी सी जगह थी, दो चार लड़के कूद गए। बहुत थोड़ी देखा था मगरमच्छ, बड़ी मुश्किल से भाग भाग करके आए तो बाहर आए तो बचे हम। फिर मगरमच्छ मगरमच्छ का डिनर नहीं बने आप। और बताओ। और सुनो। आज हमारे पापा जी जरा आनंद में, उन्होंने कितना मिस किया जी। लेट हो गया। ईश्वर का धन्यवाद। और बताओ। के बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप हो ही प्यारे से। और बताओ। एक बार मैं गांव में गणपति जी के सामने मेरी खाट थी। हाँ जी। उसमे सो रहा था। हाँ जी। तो वहाँ से अंदर से क्या आता ना, सांप अंदर से आता। हाँ। और उधर मेरे पास ही कुआ था। हाँ जी। उसे पानी पी के जाता। हाँ। तो एक दिन मैं सो रहा था, कुदरती मैं जाग गया, वो फराटे मारता मारता देखो इतना बड़ा भारी सांप। अरे राम। और फिर वो हमारे बीच अंदर मैं रहता था उसी में चला गया, तो बहुत बड़ा मकान था, कहीं ना कहीं छुप गया। मैं होती तो हार्ट फेल ही हो जाता सांप को देख के। बहादुर हो पापा जी आप। और सुनाओ। क्या भगवान कितनी बार रक्षा करते हैं, हम नहीं मानते उनका धन्यवाद और आभार। और बताओ। और देखो, और मैं पैदल जा रहा था। हाँ। सच्ची के समय भी। हाँ जी। आराम से आ रहा था और मैं आया बिल्कुल जहाँ पास हुए, सांप ऐसे खड़ा हो गया मुझको देख करके। मैंने भी देख लिया फिर सांप। हाँ, वो सांप के घर होते हैं ना जी। हाँ जी, बाम्बी। ऐसा घर था वो, बाम्बी बाम्बी। हाँ, उसमें से निकला। हाँ। और वो मैं उसके साथ बिल्कुल जा रहा था। ओ। पर सांप भी उसमें रहा, मैंने उसको फिर देखा। हाँ। फिर मैं चल दिया और वो अपना आगे चला, बाम्बी में चला गया। उसने आगे मेरे पे कोई हमला नहीं करा। वो कह रहा होगा ये नॉटी बॉय है, इस पे हमला नहीं करना, बहादुर है बहुत। सांपों के साथ तो आपके बहुत किस्से हैं। बहुत एनकाउंटर्स हैं। एनकाउंटर बहुत एनकाउंटर तो गांव में रहना तो सांप ही मिलेंगे। वो बघेरा जो मिला मुझे वो नहीं भूलता, बघेरा। वो मुझको दिख रहा पास में, बताओ। हाँ। वो मुझको देख रहे हो। अब मैं
कौन किसका डिनर? जब मैंने देखा तो मेरे को अरे ये तो बघेला है। अच्छा रास्ता बदल लिया, भागा नहीं वहाँ से। एक्चुअली वो सबसे बड़ी बात है कि आप बहादुरी से डटे रहे। जब आप डटे रहते हो फिर जानवर आपको शायद वो समझता है बहादुर है, मेरे लेवल का है। मैंने अपने राम से रास्ता बदल लिया, वो अपना पानी पी के बिल्कुल पास में ऐसे ही। और पापा जी वो कौन सा बता रहे थे कि आपको फोड़ा हुआ, वो दोबारा से बताओ। ये 5 साल का था। हाँ जी, तो आपको फोड़ा हुआ किसी और बच्चे को भी किसी और को हुआ तो? हाँ वो तो वो पूरा मल्लम पे पूरी लगाते थे पूरा सारा कुछ। ये देखो ना आप देखो ये। हाँ जी अभी भी निशान है, कितने दाग है, गहरे गहरे निशान है सारे दाग जहाँ जहाँ तक आ गया। हाँ जी, और वो पहली घटना है। वो तो भगवान को प्यारा हो गया। हाँ, और आप भगवान के लिए और हमारी हम सबके गुड लक से बच गए। गांव दवाई भी जैसी खाई है। हाँ, ये भी नहीं हस्पताल में गए। हाँ जी पापा जी देखो 5 साल के से आपको जो है जन्म, आपको दूसरा जन्म मिला है, अब आप 105 साल तक हमारे साथ ही हो। इसी आशा के साथ और भगवान से हम दुआ करते हैं पापा जी हमेशा हमारे साथ रहे। और ये बताता है कि ईश्वर की कृपा अब जो है वो आपके ऊपर बनी रहे, तो कोई भी विपत्ति जो है वो आप उसको सफलता से उसका सामना कर लेते हैं। और हमेशा हमें ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए बजाय कृत करने के। थैंक यू वेरी मच पापा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।